Hello everyone and welcome to this online lecture series on illumination and electrification of building. We have started unit number 3, that is illumination control and control circuit. Today is our lecture number 4 and in today's lecture we will be discussing about control circuit for lamp. In previous lecture, we learned about thyristor operated dimmer and triac operated dimmer. This both dimmer comes under the category of electronic dimmer. Learning outcomes. After watching this video, student will be able to learn about symbolic representation of switches, single lamp control by two point method, control of a single lamp from three places. So, to control any lamp or the main important component is switches. So we will first discuss about what are the types of switches and how they are represented. So the first one is single pole switch. Second is two-way switch and third one is intermediate switch. So किसी भी सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी लैंप को कंट्रोल करने के लिए, उसमें एक कंट्रोल प्रोड्यूस करने के लिए हमें स्विचेस की जरूरत होती है, जो कि ऑन या ऑफ होके जो रिक्वायर्ड कंडीशन हमें चाहिए वो क्रिएट करती है. तो स्विचेस के तीन टाइप्स है, सिंगल पोल, टू पोल और इंटरमीडिएट स्विच. तो हम ये तीनों टाइप के स्विचेस को, इसका रिप्रेजेंटेशन आप देखिए कि जो सिंगल पोल स्विच है इसमें सिर्फ एक ही कांटेक्ट गिवन है. ये यहाँ पर अगर ये स्विच क्लोज कर दिया हमने तो ये कांटेक्ट क्या हो जाएगा, क्लोज. वही जो टू वे स्विच है उसमें दो कांटेक्ट्स गिवन है, या तो आप वन के साथ कनेक्ट कर सकते हो या फिर टू के साथ. और जो इंटरमीडिएट स्विच है इसमें ये जो है चार कॉन्टेक्ट है, जिसको आप किसी भी दो कॉन्टेक्ट को, जैसे वन या टू को कनेक्ट कर सकते हो, थ्री या फोर को कनेक्ट कर सकते हो, वन या फोर को कनेक्ट कर सकते हो या फिर टू या थ्री को कनेक्ट कर सकते हो. ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन में कनेक्शन इसमें होते हैं. सो जो फर्स्ट स्विच हमने देखा है जो कि है सिंगल पोल स्विच, उसका ऑपरेशन आप देखिए कि कैसे, अगर हमने इसको पोजिशन पे किया तो ये जो लैम्प है ये ग्लो करेगा. अगर हमने स्विच का पोजीशन चेंज किया तो ये लैम्प जो है वो ग्लो नहीं करेगा. उसी प्रकार ये जो टू पोल स्विचेस है इसमें जो है दो कनेक्शंस अवेलेबल है, और किसी भी लैम्प को ग्लो करने के लिए क्या चाहिए, एक क्लोज पाथ चाहिए करंट का. और क्लोज पाथ हम करते हैं स्विच की मदद से. स्विच क्या करता है, सर्किट को मेक करता है या फिर सर्किट को ब्रेक करता है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब स्विच वन और स्विच टू ये पोजीशन में रहेंगे तो ये सर्किट क्या है, क्लोज है, एक इसको पाथ मिल रहा है करंट को, इसलिए लैंप क्या होगा, ग्लो. अब जो सेकंड कंडीशन है उसमें हमने स्विच वन का पोजीशन वैसे ही रखा जैसे पहले था, पर स्विच टू का पोजीशन हमने चेंज की, तो इससे क्या हो रहा है, जो पाथ है इस ये कंटिन्यूस पाथ क्रिएट नहीं हो रहा है, तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं. तो ये जो लैंप है ये क्या होगा, ग्लो नहीं होगा. अब ये जो दो स्विचेस है तो इसके चार कंडीशंस आएंगे. उसी तरह अगर स्विच वन का पोजीशन ये है और स्विच टू का पोजीशन ये है तो लैंप ग्लो करेगा, क्योंकि इसे एक क्लोज पाथ मिल रहा है, इसे एक करंट को फ्लो होने के लिए एक प्रॉपर पाथ मिल रहा है. उसी तरह अगर हमने ये स्विच का पोजीशन एज इट इज रखा और ये स्विच का पोजीशन चेंज किया तो ये जो सर्किट है, ये जो लैंप है, ये ग्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसे एक कंटिन्यूस करंट के फ्लो को एक कंटिन्यूस पाथ नहीं मिल रहा है. तो ये हो गई अलग अलग केसेस. अब हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट स्विच जो है जिसमें कि चार कॉन्टेक्ट होते हैं, चार टाइप से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं. तो जब ये इंटरमीडिएट स्विच ये पोजीशन में है, यानी वन और टू कनेक्टेड है, तब इसके दो ये और स्विच वन ये पोजीशन में, तो यहाँ पर भी जैसे हमने टू वे स्विच में देखा था कि करंट को एक पाथ मिल रहा है, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, स्विच लैंप ग्लो होगा. उसी तरह जब ये सेकेंड कंडीशन में आप देखते हो कि यहाँ पर पाथ कम्प्लीट नहीं हो रहा है तो लैंप ग्लो नहीं होगा. थर्ड में भी करंट को एक पाथ मिल रहा है तो लैंप ग्लो होगा.
फोर्थ में यहाँ पर करंट को फ्लो होने के लिए पाथ नहीं मिल रहा है कंटिन्यूस पाथ, तो लैम्प ग्लो नहीं होगा। और जब हम इंटरमीडिएट स्विच का, जैसे हमने पहले देखा था, इसको हम 1 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये हो गई ये 4 केसेस उसकी। पर जब हम 1 को 4 के साथ और 2 को 3 के साथ कनेक्ट करेंगे, तभी भी आप देखिए करंट को एक कंप्लीट पाथ मिलता है। और करंट को कंप्लीट पाथ मिल गया तो लैम्प क्या होगा, ग्लो। उसी तरह ये कंडीशन है, ये सारी कंडीशन है। अब इसमें, इस कंडीशन में जैसे आप देख सकते हैं कि करंट को कंप्लीट पाथ नहीं मिल रहा है, यानी स्टार्ट टू एंड करंट फ्लो होना चाहिए, तब जाके लैम्प क्या होता है, ग्लो होता है। जैसे इस कंडीशन में आप देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये करंट ऐसे फ्लो होके स्टार्ट टू एंड, यानी स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक आने के लिए उसके पास पाथ है, तो लैम्प ग्लो होगा। अब जब हम ये कंडीशन को कंसिडर करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है, फिर ये इसका पाथ जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, इसलिए लैम्प क्या होगा, ग्लो नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वन लैम्प कंट्रोल्ड बाय वन स्विच, एक ही लैम्प है, एक ही स्विच है, उस सर्किट को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे सर्किट कंट्रोल होता है। तो फर्स्ट ये है इसका स्कीमेटिक डायग्राम, जिसमें ये लैम्प है उसको हमने L से डिनोट किया है, और ये स्विच है, और ये है इसका सिंगल लाइन डायग्राम। इसका ये सर्किट डायग्राम है, जिसमें ये यहाँ से सप्लाई दिया जा रहा है, यहाँ पर ये स्विच है और ये लैम्प है। ये सिंपल एक सर्किट है, जिसमें कि ये स्विच क्या करेगा, जब हम स्विच को क्लोज करेंगे, ये कौन सा स्विच है, ये वन वे स्विच है, इसमें एक ही कॉन्टेक्ट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वन वे स्विच। अब जब ये कॉन्टेक्ट क्लोज होगा तब लैम्प ग्लो करेगा, क्योंकि स्टार्ट से करंट निकल के लैम्प से होकर एंड तक पहुंचेगा, तो करंट को एक कंटिन्यूस पाथ मिलेगा, तो लैम्प क्या होगा, ग्लो होगा। सो फॉर अ लैम्प वन लाइव वायर एंड वन न्यूट्रल वायर इज रिक्वायर्ड। किसी भी लैम्प को ग्लो होने के लिए क्या चाहिए, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर से कनेक्शन चाहिए। टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ द लैम्प स्विच इज इंट्रोड्यूस बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल। अब लैम्प को हम अगर फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं, सप्लाई देते हैं, तो वो ग्लो करता है, कंटिन्यूसली ग्लो करता है। पर उस सर्किट में एक कंट्रोल लाने के लिए, अपने हिसाब से सर्किट, जब हमें चाहिए हम लैम्प को ऑन करेंगे, जब हमें चाहिए हम लैम्प को ऑफ करेंगे, ये कंट्रोल लाने के लिए हम उसके बीच में क्या लगाते हैं, स्विच। तो जब स्विच ऑन होगा, पूरा वोल्टेज लैम्प के अक्रॉस आएगा और लैम्प क्या होगा, ऑन होगा, लैम्प ग्लो करेगा। और जब स्विच बंद हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और लैम्प ऑन नहीं होगा। अब सेकंड हम देखेंगे सिंगल लैम्प कंट्रोल बाय टू पॉइंट मेथड, यानी इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी जो है, यहाँ पे ये फेज और न्यूट्रल है, इसमें इसमें एक स्विच की जगह दो स्विचेस की गई है और ये लैम्प इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर यहाँ से करंट फ्लो होता है, ये स्विच ये पोजीशन में है, करंट यहाँ से फ्लो होके ये स्विच भी ये पोजीशन में है, तो क्या होगा, इसे पूरा कंप्लीट पाथ मिलेगा, कंटिन्यूस पाथ मिलेगा और लैम्प क्या होगा, ग्लो होगा। इसमें एक स्विच यूज ना करके दो स्विचेस यूज किए गए हैं। सो दिस सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेयरकेस वायरिंग, इट कंसिस्ट ऑफ टू वे स्विचेस, द सर्किट डायग्राम इज शोन इन फिगर। इस टाइप का जो लाइटनिंग सिस्टम है, ये स्टेयरकेस वायरिंग, यानी सीढ़ियों पे जो होती है वायरिंग, उसमें सीढ़ियों पे जो लाइटनिंग की जाती है उसमें यूज होता है। जैसे सीढ़ियों पे हम चढ़ रहे हैं, तो हमने स्विच को ऑन किया, लाइट ऑन हो गए और हम ऊपर चढ़ गए। अब ऊपर जब हम पहुंचे तो हमें लाइट को बंद करना है, तो लाइट को बंद करने के लिए हम फिर से नीचे नहीं आएंगे, हम वहीं पे स्विच एक देंगे जो क्या करेगा, हम वहां पे उस स्विच को ऑपरेट करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगा। अब सेकंड पर्सन जिसको आना है, फिर से आना है, उसको लाइट ऑन करना है, वो क्या करेगा, फिर से वो स्विच को ऑन करेगा और फिर से वो चढ़ेगा, यानी वो स्विच को एक बार ऑपरेट करने के लिए ऊपर नीचे आने की जरूरत नहीं है। तो ये जो टाइप, यानी टू सिंगल लैम्प कंट्रोल बाय टू पॉइंट मेथड जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इन्हें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेयरकेस वायरिंग में। ठीक है, अब
जब ये जो फिगर में गिवन है कंडीशन, इसमें क्या होगा, लैम्प ग्लो होगा, और अगर स्विच वन अगर ग्राउंड फ्लोर पे है, स्विच टू फर्स्ट फ्लोर पे है, तो क्या होगा, हम स्विच वन को ऑन करेंगे और ऊपर चढ़ जाएंगे, और फिर जब हम स्विच टू को ऑफ करेंगे, यानी ये कंडीशन से ये कंडीशन में आएगा, तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और लैंप ऑफ हो जाएगा। इसी तरह ये ऑपरेट होता है। नेक्स्ट देखेंगे अपन कंट्रोल ऑफ सिंगल लैंप फ्रॉम थ्री थ्री प्लेसेस, यानी एक ही लैंप को हम तीन जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एक लैंप को हम एक स्विच से कंट्रोल करते हैं, फिर हमने देखा कि एक लैंप को हम दो स्विच से कंट्रोल करते हैं जो कि स्टेयर के वायरिंग में यूज होता है। अभी हम देखेंगे कि हम एक लैंप को तीन जगह से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा है, पहले ही पढ़ा है कि इंटरमीडिएट स्विच, इसमें चार कॉन्टेक्ट होते हैं, वन टू को कनेक्ट होता है, थ्री फोर को कनेक्ट होता है, या फिर वन फोर को कनेक्ट होता है, टू थ्री को कनेक्ट होता है। कनेक्शन इंटरमीडिएट स्विच का कुछ भी हो सकता है, और ये स्विच का पोजीशन भी बराबर है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो लैम्प क्या होगा, ऑन होगा। अब जैसे हम यह देखें, ये इंटरमीडिएट स्विच का डायग्राम है, इसमें कॉन्टेक्ट वन टू थ्री फोर है, पोजिशन वन, नॉब ऑफ स्विच इज अप। जब स्विच का नॉब जो है वो अप पोजिशन में रहेगा, तो कॉन्टेक्ट कैसे है, वन थ्री के साथ कनेक्टेड है और टू फोर के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पर पोजीशन टू व्हेन द नॉब ऑफ स्विच इज डाउन, वन टू के साथ कनेक्टेड है और थ्री फोर के साथ कनेक्टेड है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ टू वे स्विचेस एंड इंटरमीडिएट स्विच, द सर्किट डायग्राम इज शोन इन फिगर। सो इस सर्किट डायग्राम में हम देख रहे हैं कि इसमें दो दो टू वे स्विचेस है और एक इंटरमीडिएट स्विच है। वी रिक्वायर्ड टू टू वे स्विचेस एंड वन इंटरमीडिएट स्विच एंड द लैम्प, कनेक्ट ऑल दिस एज शोन इन डायग्राम। फॉर शोन पोजिशन ऑफ टू वे स्विचेस, द लैम्प विल ग्लो ओनली इफ द इंटरमीडिएट स्विच इज इन पोजिशन टू। अब यहाँ पर अगर इंटरमीडिएट स्विच के अलग अलग पोजिशन हो सकते हैं, यहाँ पे दो गिवन केसेस दिए है कि वन थ्री के साथ कनेक्टेड, टू फोर के साथ कनेक्टेड, वन टू के साथ कनेक्टेड है और थ्री फोर के साथ है। तो हम ये पोजीशन यहाँ पर कंसिडर करेंगे, वन टू के साथ कनेक्टेड है और थ्री फोर के साथ कनेक्टेड है। फिर हम देखेंगे कि फेज से अगर यहाँ से करंट फ्लो होता है, वन टू के साथ कनेक्टेड है, तो करंट ऐसे फ्लो होके कहाँ आएगा, लैम्प से होकर न्यूट्रल में आएगा। वही हम कंसिडर करते है कि जो थ्री फोर के साथ कनेक्टेड है स्विच, तो हम देखेंगे कि ये यहाँ से होकर, यानी दोनों स्विचेस जो है वो इस लैम्प को कंट्रोल करने में मदद करेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन कौन करेगा, तो ये इंटरमीडिएट स्विच सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। उसके पोजीशन के हिसाब से ही हम जो है इस लैंप को तीन जगह से कंट्रोल कर सकेंगे। सो वी इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्विचेस, सिंगल लैंप कंट्रोल बाय टू पॉइंट मेथड, कंट्रोल ऑफ अ सिंगल लैंप फ्रॉम थ्री प्लेसेस। सो दिस आर द पीओ मैप फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।